केदारनाथ के गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग 109 पर बुधवार की शाम को फाटा से 2 किलोमीटर आगे तरसाली गांव के पास पहाड़ी से लैंडस्लाइड हो गया, जिसके बाद मार्ग बाधित हो गया। जाहिर सी बात है, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, लैंडस्लाइड हुआ, मलबा सड़कों पर गिरा और यातायात बाधित। अब इसी के चलते दोनों तरफ तीर्थ यात्रियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। रात हो जाने की वजह से सभी यात्रियों को सुरक्षित जगह पर पहुँचा दिया गया। वहीं सुबह 6 बजे से ही फाटा में यात्रियों की संख्या बढ़ गई है और इसी वजह से जाम के हालात बन गए हैं। मार्ग खोले जाने के लिए मशीन लगा दी गई हैं। हल्की बारिश और पहाड़ी से बार बार मलबा आ जाने से मार्ग खोलने में परेशानी भी हो रही है। यातायात बाधित हुआ है और जो आने जाने वाले लोग हैं, खासतौर पर यात्री, उनको परेशानी हो रही है। अब मशीनें तो लगाई गई हैं, मलबे को हटाने के लिए कार्य भी किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो लोग अपने गंतव्य तक पहुँचना जल्दी चाहते थे, उनको देरी हो गई है। ये तस्वीर देखिए आप, लंबी लंबी कतारें वाहनों की। उत्तराखंड दर्पण को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड दर्पण देखते रहिए।